वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आपके स्कूलों के बंद होने के मुतलक हैं, पंजाब में स्कूल जो हैं बंद होने जा रहे हैं, कब से बंद होने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप्स भी हैं, स्कॉलरशिप्स एहसास स्कॉलरशिप्स आई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई हैं, उनकी मैं डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि पंजाब में स्कूल जो है एक हफ्ते के लिए बंद होने जा रहे हैं। 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक जो है वो स्कूल बंद रहेंगे। उसमें कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने ये फैसला लिया है, ये स्टेप लिया है। तो स्कूल जो है 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इस हवाले से जो है आप अपने आप को घर में रहकर फजूल मतलब के आप जो भीड़ में जाने से बचें, हजूम में जाने से बचें। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता जाऊं कि स्कॉलरशिप्स भी आई हैं सास प्रोग्राम के तहत तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है। प्राइमरी में जो है 2000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेंगी और जो है मिडिल लेवल में 3000 स्टूडेंट्स को मिलेगी और इंटरमीडिएट लेवल पर जो है वो 4000 स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, ये मिलेंगी। उसमें आपने फॉर्म लेना है एहसास सेंटर से, उसको अपने इदारे में जाके दिखाना है। इसमें ये है कि आपकी 70% अटेंडेंस होना लाजमी है, ये आप याद रखिएगा। प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को 1500 स्कॉलरशिप मिलेगी और हायर सेकेंडरी लेवल को जो है वो 3500 मिलेगा और दूसरी जो इंटरमीडिएट लेवल को 5000 तक जो है स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएंगी पर मंथ। तो ये है आपके लिए अपडेट्स। ही मज़ीद ऐसी एजुकेशन अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।